स्वागत है आपका मैकेनिकल एजुकेशनल फोरम में। आशा है आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम स्टील को देखेंगे, है ना। और इस लेक्चर के बाद आपको पीडीएफ मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, या फिर टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। वहां से दोनों में से कहीं से भी आप जहां से मन करे वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और स्टील के बाद लास्ट ही है स्टील, उसके बाद कुछ नहीं है। फ्रेश मेटल भी आपका ख़त्म हो जाएगा, ऑल अबाउट फ्रेश मेटल ख़त्म। तो स्टील क्या होता है भाई? तो स्टील एक एलॉय है, आयरन और कार्बन का एलॉय है। इसमें और भी चीज़ें मिलाई जाती हैं ताकि इसकी जो, जैसे मैंने बताया था कि इसमें एलॉयिंग एलिमेंट्स को मिलाए जाते हैं ताकि इसकी प्रॉपर्टी को चेंज किया जा सके, है ना। और भी चीज़ें होती हैं आपके स्टील में, लेकिन मेन जो है इसमें आपका आयरन और कार्बन है। अगर इसकी प्रॉपर्टी को हम चेंज करना चाहते हैं तो इसमें एलॉयिंग एलिमेंट को हम और मिलाएंगे। इससे कंपोजिशन को भी आप नीचे देख सकते हैं, और भी चीज़ें इसमें होती हैं, है ना। द कार्बन इज डिस्ट्रीब्यूटेड इन द फॉर्म ऑफ केमिकल कम्बिनेशन विथ आयरन। ऐसा कुछ है नहीं, भाषा लिखी हुई है केवल, ठीक है। नीचे बढ़ते हैं। एक और बात में कन्फ्यूजन होता है कि स्टील बनता कैसे है, तो मैंने आपको पहले भी बताया है, अब भी बता रहा हूँ। पिग आयरन से आपका स्टील बनता है, या फिर रोट आयरन से भी आपका स्टील बनता है। उसको फर्नेस में डालते हैं, अलग अलग फर्नेस में, और उसी के द्वारा हम इसको तैयार करते हैं, ठीक है ना। आयरन ओर से आपका पिग आयरन निकाला जाता है, और उसी पिग आयरन को आगे फर्नेस में डाल के कास्ट आयरन, स्टील, रॉट आयरन को बनाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। और प्रोसेस भी लिखा हुआ है कि किस प्रोसेस को द्वारा हम स्टील को बनाते हैं। तो लिखा हुआ है इसमें बेसमर प्रोसेस, ओपन अर्थ प्रोसेस और इलेक्ट्रिक फर्नेस प्रोसेस। इन तीनों प्रोसेस से आपका स्टील तैयार किया जाता है। पर प्रोसेस को हम ज़्यादा डिटेल में बात अब इस वीडियो में नहीं करेंगे, फिर कभी बात होगी, है ना। फिर कभी मुलाकात होगी, फिर कभी बात होगी। तो कंपोजिशन इसका देख लीजिए, यहाँ पे ये कंपोजिशन है, ये कंपोजिशन है स्टील का। मुझे कुछ समझाना इसमें है नहीं, लिखा है तो क्या समझाऊँ मैं। आगे बढ़ते हैं। कार्बन स्टील, मैंने आपको स्टील की क्लासिफिकेशन नहीं बताया था, नहीं बताया तो पिछले वाला वीडियो भी देख लीजिए। कार्बन स्टील है यह आपका तीन कैटेगरी का है, लो कार्बन स्टील, ठीक है, लो कार्बन, मीडियम कार्बन और हाई कार्बन स्टील। देख लीजिए हाई कार्बन स्टील। तो कार्बन स्टील क्या होता है? इट इज ए कम्बिनेशन ऑफ टू एलिमेंट, फेरस और कार्बन। ये तो हमको भी पता है। अदर एलिमेंट्स ऑल्सो प्रेजेंट इन स्मॉल क्वांटिटीज, जैसे मैग्नीशियम, सिलिकॉन, कॉपर। कार्बन स्टील ऑल्सो नोन एज प्लेन कार्बन स्टील यूज फॉर मेकिंग लीफ स्क्रीन इन ऑटोमोबाइल। कुछ नहीं है, भाषा लिखी हुई है, मैं आपको बताता हूँ क्या है। कार्बन स्टील, जैसे कि हमको पता है स्टील में फेरस और कार्बन होता है, और इसमें और भी इम्प्योरिटी होती है। कार्बन स्टील को हम तीन कैटेगरी में क्लासीफाई करेंगे, लो कार्बन, मीडियम कार्बन और हाई कार्बन। अगर लो कार्बन स्टील कुछ और नहीं है, अगर उसमें कार्बन का परसेंटेज 0.08 से 0.3 के बीच में हो तो आपका लो कार्बन स्टील होगा। अगर वही कार्बन का परसेंटेज 0.3 से 0.6 हो, है ना, तो आपका मीडियम कार्बन स्टील होगा। लेकिन वही हाई कार्बन स्टील में कार्बन के आधार पर क्लासिफाई किया गया है, इसको इस बात का आपको ध्यान रखेंगे। अगर कार्बन 0.6 से 1.5 हुआ तो आपका हाई कार्बन स्टील हो जाएगा। एक कार्बन के अनुसार कार्बन स्टील को क्लासिफाई किया गया है, कार्बन इसमें है कितना। अगर इसकी कुछ खासियत की बात करें तो लो कार्बन स्टील जो है आपका गुड टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी, ठीक है ना, लो रेजिस्टेंस टू कोरोजन। और यूज कहाँ होता है इसका? रिवेट, नॉट, बोल्ट, स्क्रू, बोल्ट शाफ्ट इत्यादि को बनाने में इसका यूज किया जाता है। अगर मीडियम कार्बन स्टील खासियत की बात की जाए तो ये स्ट्रॉन्ग होता है लो कार्बन स्टील कंपेयर में, लेकिन इसकी डक्टिलिटी जो है आपके लो कार्बन स्टील से कम होती है। सुटेबल फॉर कास्टिंग प्रोसेस, कास्टिंग प्रोसेस एक मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है, इसको भी आप आगे के सेमेस्टर में पढ़ेंगे या फिर आपका सिलेबस में हो तो उसमें भी पढ़ना पड़ सकता है। हीट ट्रीटमेंट में भी, अगर मीडियम कार्बन स्टील के प्रॉपर्टी को आप इम्प्रूव करना चाहते हैं, खासकर मैकेनिकल प्रॉपर्टी को, तो आप हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस करेंगे मीडियम कार्बन स्टील का, इससे इसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी इम्प्रूव हो सकती है। हीट ट्रीटमेंट प्रोसेस पर मेरा एक और वीडियो आएगा, है ना। यह एक प्रोसेस है जिसमें हम अलग अलग उसको हीट करके मेटल को अलग अलग प्रोसेस के द्वारा उसकी मैकेनिकल प्रॉपर्टी को चेंज करते हैं।
हाई कार्बन स्टील क्या होता है, इसकी खास बात इसकी देख लेते हैं। देयर स्ट्रेंथ एंड हार्डनेस इंक्रीज विद द इंक्रीज इन कार्बन कंटेंट। कह रहा है कि जब आप इसमें कार्बन कंटेंट को अधिक इंक्रीज करते हैं, है ना, इसमें कार्बन परसेंटेज ज़्यादा होता है, वही बता रहा है कि इसमें कार्बन परसेंटेज अगर इंक्रीज है तो इसका मतलब है कि इसकी स्ट्रेंथ और हार्डनेस भी इंक्रीज है। स्ट्रेंथ स्टार्ट डिक्रीजिंग व्हाइल इंक्रीजिंग हार्डनेस। स्ट्रेंथ इसका डिक्रीज होने लगता है अगर इसकी हार्डनेस इंक्रीज हो जाए। इसका क्या मतलब, देखिए जब वो हार्ड होगा ना तो उसकी स्ट्रेंथ नहीं रहेगी। वो कहते हैं ना कि सूखी लड़की लकड़ी अगर झुकती नहीं है तो टूट जाती है, सेम वही बात है। अगर वो हार्ड हो गया तो उसकी स्ट्रेंथ उतनी नहीं, मजबूती उसमें नहीं रहेगी। हार्ड है इसका मतलब हल्का सा चोट देने पर, हल्का कहना थोड़ा सही नहीं है, चोट देने पर वो टूट जाएगा, यानी उसके अंदर स्ट्रेंथ उतनी नहीं है कि वो जो है आपके मजबूत हो सके। उसके बाद है आपका यूज कहाँ होगा, आपका हैमर, स्क्रू ड्राइव, है ना, चिजल, ऑर्गनडाइज, ड्रिल्स इत्यादि को बनाने में इसका यूज किया जाता है हाई कार्बन स्टील का। उसके बाद है आपका एलॉय स्टील। एलॉय स्टील क्या होगा, देखिए इसमें भी कार्बन और आपका आयरन है, लेकिन इसमें हम क्या करेंगे, अदर एलिमेंट को भी मिलाएंगे। जैसे एलॉय एलिमेंट क्रोमियम हो गया, मैगनीज हो गया, सिलिकॉन, टाइटेनियम, क्रोमियम, ये सब बहुत ही मजबूत एलिमेंट होते हैं आपके, इसको मिलाने से प्रॉपर्टी चेंज हो जाती है। तो वही है एलॉय स्टील, ये दो कैटेगरी में आता है, लो एलॉय स्टील और हाई एलॉय स्टील। अगर आपका एलॉयिंग एलिमेंट यानी जो भी एलॉयिंग एलिमेंट है आपका उस वो टोटल उसका 8% से कम हो गया, परसेंटेज मेरा छूट रहा है ना, पीडीएफ बनाने में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, परसेंटेज छूट गया है। लो का एलॉय स्टील में आपका एलॉयिंग एलिमेंट जो होगा ना वो 8% से कम होगा। वही आपका हाई एलॉय स्टील में आपका एलॉयिंग एलिमेंट 8% से अधिक देखने को मिलेगा। एलॉयिंग एलिमेंट में मेरा एक सेपरेट वीडियो है जिससे मैंने बताया है कि किस एलॉयिंग एलिमेंट को मिलाने से कौन सी प्रॉपर्टी चेंज होती है, उसको आप जरूर देखिएगा प्लेलिस्ट में जाके। ये तो था एलॉय स्टील। अब देखते हैं टूल स्टील के बारे में। टूल स्टील क्या होता है, देखिए ये भी एक एलॉय स्टील ही है। टूल स्टील भी एक तरह का एलॉय स्टील भी है, क्योंकि इसमें भी वही लगभग चीज़ें मिली होती हैं जो एलॉय स्टील में मिलाई जाती हैं, लेकिन ये थोड़ा सा आपका हार्ड होता है, मतलब ना इसकी प्रॉपर्टी कुछ ज़्यादा बढ़िया होती है एलॉय स्टील के कंपेयर में, क्योंकि ये प्रॉपर्टी देखिए इसका, ये टफनेस होता है, हार्डनेस होता है, हीट रेजिस्टेंस होता है यानी हीट को रोकता है, कोरोजन को भी रोकता है और वियर रेजिस्टेंस होता है, ठीक है ना। टूल स्टील नाम से क्लियर है, या टूल यानी कि ऐसा स्टील जिसको टूल के लिए हम इस्तेमाल करते हो, ठीक है, मशीन में, लेथ मशीन, ड्रिलिंग मशीन, इन सब मशीनों में जो टूल बनाए जाते हैं उसी से बनाए जाते हैं, टूल स्टील से ही। अलग अलग चीज़ें मिलाकर हम उसकी प्रॉपर्टी को चेंज कर देते हैं, जैसे टंगस्टन, मोलिब्डेनम, कोबाल्ट, इसको और हार्ड बना देते हैं, टफ बना देते हैं, है ना। एप्लीकेशन क्या है, एप्लीकेशन इसका आपका जहाँ जहाँ होगा इसका टूल में ही होगा, जैसे डाइज फॉर कंपैक्टिंग और पाउडर मेटल इनटू फॉर्म सच एज गियर, ये भी एक तरह का टूल है। सिटिंग पाउडर मेटलर्जी क्या होता है ये भी आप पढ़ेंगे आगे, ठीक है ना। पाउडर मेटलर्जी में डाइज को बनाने में इसका यूज किया जाता है आपका टूल स्टील का। स्लीटिंग ऑफ स्टील क्वाइंस इंटू स्ट्रिप्स, स्लीटिंग ऑफ क्वाल स्प्रिंग्स इंटू स्ट्रिप, जो आप क्वाल स्ट्रिप आपने शायद से नहीं देखा होगा। एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि खिलौनों में पहले आता था ना वो पतली सी लोहे की होती थी, तो उसी तरह से कुछ समझिए कि उसमें इसका यूज होता है ना। स्टील क्वाइल्स इंटू स्ट्रिप में इसका यूज होता है, मुझे थोड़ा सा आइडिया नहीं लग रहा है इसके बारे में, है ना। कमेंट में अगर मैं इसके बारे में और सर्च करके आपको पिन कर दूंगा, ठीक है, वहाँ से आप देख सकते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में मेरा मिस हो रहा है, ठीक है। फॉर्मिंग, स्टैम्पिंग, कटिंग एंड सीयरिंग ऑफ प्लास्टिक एंड मेटल्स, प्लास्टिक और मेटल को कट करने के लिए जो टूल बनाए जाते हैं, जैसे फॉर्मिंग, स्टैम्पिंग, कटिंग, सीयरिंग, वो आपका बना होता है टूल स्टील से। हाई स्पीड स्टील क्या है, ये भी एक तरह से आपका टूल स्टील ही है,
ये भी आपका टूल स्टील ही है। इसकी खास बात क्या है, एक्सीलेंट हार्डनेस। देखिए ये भी अगर मैं टूल स्टील को बता रहा हूँ कि ये भी टूल स्टील है, तो जो प्रॉपर्टी इसकी होगी ना टूल स्टील की, वही प्रॉपर्टी आप हाई स्पीड स्टील में भी लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप देख भी सकते हैं दोनों का लगभग सेम ही है। एक चीज़ आपको देखने को मिलेगी, कटिंग एबिलिटी एट टेम्परेचर एज हाई एज 540 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका मतलब है यही है, 540 डिग्री से भी अगर टेम्परेचर ज़्यादा हो गया तब भी ये हाई HSS आपका कटिंग करेगा उतने हाई टेम्परेचर पर भी। ये खास बात है इसकी। एप्लीकेशन भी आप इसका देख सकते हैं। उसके बाद है स्टेनलेस स्टील। स्टेनलेस स्टील अगले वीडियो में कर दे क्या, अगले वीडियो में कर देते हैं, लेकिन वीडियो वैसे भी 9-10 मिनट का हो चुका है, अगले वीडियो में रहने देते हैं, है ना। अगले वीडियो में कर देंगे स्टेनलेस स्टील को, कोई दिक्कत नहीं है। वीडियो बड़ा नहीं होना चाहिए ना, बड़ा ज़्यादा तो मुझे भी अपलोड करने में थोड़ी सी समस्या होने लगती है, डाटा ज़्यादा लगता है ना। ठीक है, स्टेनलेस स्टील अगले वीडियो में। एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो मैंने पट्टी बताई ये स्टेनलेस स्टील की, वो लगभग आपको सेम मिलेगी, लगभग थोड़ा बहुत आपको चेंज देखने को मिलेगा, जैसे हाई कार्बन स्टील से थोड़ा चेंज देखने को मिलेगा, लेकिन जितने भी टूल स्टील हैं उनमें आप सेम लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है। प्रॉपर्टी सेम लिखिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना। ठीक है, स्टेनलेस स्टील कल कर लेंगे। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।